नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ है गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का टॉपिक है विचार शक्ति के चमत्कार। विचार अपने आप में एक चिकित्सा है। शुभकामना सत परामर्श रूपी विचारों का बीजारोपण यही प्रयोजन सिद्ध करते हैं। विचार सर्वप्रेषण, विचारों से वातावरण का निर्माण, विचार विभीषिका, इस सूक्ष्म विचार शक्ति के स्थूल परिणाम है। महर्षि अरविंद व रमण ने मौन साधना की। वह अपनी विचार शक्ति को सूक्ष्म स्तर पर क्रियान्वित किया, जिसका परिणाम था कि वातावरण में सव्याप्त विक्षोभ मिटाया जा सका तथा स्वतंत्रता आंदोलन की लहर फैली। सारी क्रांतियां विचारों के स्तर से ही प्रारंभ हुई है। साम्यवाद, प्रजातंत्र, विचार स्वयंजन्य सामर्थ्य की देन है। विचारों की आंधी जब आती है तो प्रचंड तूफान की तरह सबको अपनी लपेट में ले लेती है। बुद्ध और गांधी के समय भी इसी प्रकार आंधी आई, जिसने सूक्ष्म स्तर पर जन जन को प्रभावित किया, वह परिवर्तन ला दिया। अस्त व्यस्त विचार शक्ति व्यक्ति को जल्दबाज बनाते हैं। वह ऐसे व्यक्ति दूरगामी निर्णय न लेकर ऐसे कदम उठा सकते जिन्हें परांतर से विक्षिप्तता की कहा जा सकता है। प्रज्ञा पुराण बात।